दोस्तों मेरे दुकान पे बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि भैया प्ले स्टोर से कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है प्ले स्टोर से। तो हम उनको बताते हैं मात्र 5 सेटिंग, यदि 5 सेटिंग कर लेते हैं तो 100% उनका जो है प्ले स्टोर से हर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होने लगेगा, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हो। इस 5 जो है ट्रिक की मदद से वो उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो आपको भी जानना है तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले काम आपको यह करना है कि आपका जो प्ले स्टोर से प्रॉब्लम आ रही है उस प्ले स्टोर को आपको क्लिक करना है। अब प्ले स्टोर को क्लिक करने के बाद नंबर 1 सेटिंग आपको करना है, इस लोगो पे क्लिक करना है आपका जो भी लोगो होगा। उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर जनरल सेटिंग में आपको एक सेटिंग कर लेनी है। नंबर 1 सेटिंग जनरल सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा अकाउंट एंड डिवाइस परफॉर्मेंस। यहाँ पे हम आपको बता दें कि बहुत सारा बग होने के कारण यहाँ से आप क्लियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री पे क्लिक कर आप क्लियर हिस्ट्री कर सकते हैं। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इससे जो भी प्रॉब्लम रहेगी सॉल्व हो जाएगी। तो क्लियर हिस्ट्री पे हम क्लिक कर देते हैं, हमारा सर्च हिस्ट्री क्लियर हो चुका है। अब दूसरी सेटिंग पे आते हैं, तो फिर से आते हैं अपने लोगो पे। ये दूसरी सेटिंग करने के लिए फिर से आना हमको सेटिंग पे, और यहाँ से हमको दूसरा ऑप्शन मिलता है नेटवर्क प्रेफरेंस, इस पर क्लिक करना है। और जो ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस है जहाँ से हम ऐप डाउनलोड करते हैं, ये आस्क में नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको ओवर एनी नेटवर्क पे क्लिक करना है। इससे भी प्रॉब्लम हद तक ठीक हो जाता है, तो ओवर एनी नेटवर्क पे क्लिक कर देना, ठीक है। दूसरी सेटिंग आपको यहीं में कर देनी है। तीसरी सेटिंग आपको करना क्या है, अबाउट में आना है, नीचे इसी में मिल जाएगा अबाउट। अबाउट पे आने के बाद आपको प्ले स्टोर अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, तो अपडेट प्ले स्टोर पे क्लिक कर यदि आपका प्ले स्टोर अपडेट नहीं होगा तो अपडेट कर लीजिएगा। अब आ रहे में जो कि हमको करना है अपने मोबाइल के सेटिंग से, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ से ऐप और ऐप्स का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा, आपका कोई भी फ़ोन होगा ऐप या ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से सारे एप्लीकेशंस आपको दिख जाएंगे। तो नंबर 1 सेटिंग आपको करना है सी आल ऐप पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना है, यहाँ से प्ले स्टोर। तो जब इस प्रकार से प्ले स्टोर सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद स्टोरेज एंड कैचे पे आना है, और यहाँ से क्लियर स्टोरेज कर देना है। क्लियर स्टोरेज कर देना है 100%। उसके बाद आपको प्ले स्टोर सर्विसेज सर्च करना है, यहाँ से प्ले स्टोर सर्विसेज, प्ले स्टोर सर्विसेज मिलेगा। यहाँ पे भी वही काम कर लेना है आपको, स्टोरेज कैचे पे आने के बाद क्लियर कैचे क्लियर स्टोरेज आपको कर लेना है। इतना काम % आपका प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन से यदि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन 100% पेंडिंग नहीं बताएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कुछ स्टोर, देखिए इंस्टॉल हो रहा है। अब एक काम कर लेना है कि कुछ स्टोरेज को खाली कर देना है, जैसे कि जो भी फालतू एप्लीकेशंस आपको दिख रहा है उस एप्लीकेशंस को आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर यहाँ से यूनइंस्टॉल कर लेना है। यूनइंस्टॉल करने से हो सकता है आपके फ़ोन का स्टोरेज कम हो, तो स्टोरेज प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए फालतू का एप्लीकेशंस आप यूनइंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने फ़ोन की गैलरी से कुछ वीडियो ऑडियो को डिलीट करिएगा, तो उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।